इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ में कितनी चीजें होती है। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube और Google पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएगी, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि ये तीन टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दो गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल फरेटो परेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल्स। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जांपल के लिए विल फरेटो परेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। और इस दुनिया की 80% अल्कोहल यानी शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया की 20% जमीन से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने किए हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, यही आंकड़ा हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन 80% लोगों में से नहीं हो? और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें, और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपेरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है ना, इसको बहुत ही अच्छे से करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। दोस्तों मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। एग्जाम में अब वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो आप इस रूल को यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कॉन्सेंट्रेशन सबसे पीक स्टेट पर होती है, और सुबह के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको वो कॉन्सेंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए, और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई जो होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखा हुआ है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है, और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदा में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। सो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है, और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है, और एंड में वो खुद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता।
जितने इंपॉर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार बढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से थका देते हैं, और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं भी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें, और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को आपको 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और एक घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है, और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज़ करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और ना सिर्फ स्टडी बल्कि आप अपने किसी भी काम में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर पर कई सारी एप्लीकेशन है, आपको जो भी अच्छी लगे वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम उन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने तीन पॉइंट्स देखे, जिसमें से पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग, और थर्ड है रेस्ट लेना। फर्स्ट पॉइंट में हमने 80-20 के प्रिंसिपल को समझा कि किस तरीके से आपको 80% रिजल्ट आपके अपने 20% काम से मिलेंगे, और साथ ही हमने ये सीखा कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी 20% स्टडी पर जो आपको 80% रिजल्ट दिला सकती है। सेकंड पॉइंट था कि स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठकर पढ़ो, और इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से आप जल्दी उठकर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टडी कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है स्टडी के बीच में ब्रेक लेना, और इस पॉइंट में हमने रेस्ट की इंपॉर्टेंस को जाना। जितना इंपॉर्टेंट जागना होता है उतना इंपॉर्टेंट सोना होता है, उसी तरीके से जितना इंपॉर्टेंट काम करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रेस्ट लेना भी होता है। और थर्ड पॉइंट में ही हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जाना। जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम को 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, और हर 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लें, और जब पूरा एक घंटा हो जाए तो उसके बाद में 15 मिनट का रेस्ट लें। और इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अब भी आपके पास में टाइम है, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अब भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। बस मेहनत खामोशी से कीजिए, और इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अब वैसे ही बहुत टाइम निकल चुका है और एग्जाम बहुत नज़दीक है, और जब इतना कम टाइम बचा है तो बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। अब बात आती है उन 80% लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube पर आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, और सब्सक्राइब करने का भी YouTube आपसे पैसा नहीं लेता है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो सब बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।